तो हेलो गाइस, आज हम लोग रिव्यू करने वाला है एक एम्पलीफायर का जो ऑफलाइन मार्केट में लिया है 4,500 में। तो इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। चलो इसको कनेक्शन कर लेते हैं और इसमें बताता हूँ इसका फ्यूचर सब। इसमें चार माइक है, चार माइक का चार वॉल्यूम दिया है और इसमें माइक वॉल्यूम इको डिलेस दिया है, एक बेस्ट ट्रेवल है, दो बेस्ट ट्रेवल है, दो चैनल का है, दो अलग अलग है। और ये हमारा माइक वॉल्यूम हो गया मेन वॉल्यूम, और ये हमारा म्यूजिक मेन म्यूजिक का, और इसमें ब्लूटूथ ब्लूटूथ है एलईडी डिस्प्ले के साथ, और ये मीडिया इंटरकेट, जितना वॉल्यूम ऊपर करेगा इतना इंडिकेटर बोलेगा, और ये यूएसबी यूएसबी का हो गया, और ये पावर ऑफ ऑन का। इसका बैकग्राउंड दिखाता हूँ मैं, तो बैकग्राउंड में ये हो गया हमारा एंटीना का, एफएम एंटीना हो गया एफएम के लिए, और ये लेफ्ट राइट स्पीकर का, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये राइट ये लेफ्ट हो गया। और ये हमारा ऑडियो इनपुट के डीवीडी टीवी से कुछ से एलसीडी से कनेक्ट करना हो, और इधर से आउटपुट है, ये लाइन आउटपुट भी ले सकता है। और ये हमारा बैटरी का प्लस माइनस, ये 220 वोल्ट और 12 वोल्ट से भी चल सकता है। तो चलो इसका स्पीकर कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा कनेक्ट हो चुका है स्पीकर, तो चलो एनसीएस का म्यूजिक बजाते हैं, क्योंकि एनसीएस का ही म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं, दूसरा म्यूजिक कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऑफ करूँगा। चलता है, ये नहीं चलता है, ये ऑफ है, ये दो स्पीकर चल रहा है एक एक चैनल पे। तो ये रहा हमारा माइक, हेलो हेलो अच्छा है, देख सकते हो। अभी इको कम,
ये हमारा कुछ छोटा सा सेट है, छोटा मोटा पार्टी में इसको लेके जा सकता है, कैरी कर सकता है, अच्छा है साउंड क्वालिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।